हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, जो भी आगे एग्जाम्स पीपीएससी पीएससीबी क्लर्क, चाहे हम बात करें पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, या आफ्टर दैट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एसएससी, ये जितने भी टाइप के एग्जाम्स हैं आप दे रहे हो, जी हाँ, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ्स की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है। मैं आज आपको कवर करवाने वाला हूँ मेंसुरेशन पार्ट थर्ड, जिसमें हम बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चंस लेंगे जो पिछले साल में आए हुए हैं। मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, यानी आप, मुझे नहीं पता कि आपको मैथ्स कितना आता है कितना नहीं आता, इसलिए मैंने आपका लेवल सोचा कि आप जीरो से पढ़ेंगे, चाहे आप में कितने भी, किसी का भी स्टैंडर्ड का मैथ है, किसी का वीक मैथ है। जिसका स्टैंडर्ड का मैथ है तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जिसका मैथ वीक है आपको वाकई ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ, मेरे साथ बने रहिएगा। गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी की इंफॉर्मेशन लेके आता है, और इसके साथ पंजाब गवर्नमेंट के सभी एग्जाम्स की आपको फ्री में कोचिंग करवाई जा रही है। आप चाहते हैं कि इन सभी के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल को प्रेस करना नहीं भूलना। जैसे आप बेल को प्रेस करेंगे गाइस, तो आप तक हमारे लाइव क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो सबसे पहले पहुंचेंगे। जी हाँ, अगर आप पंजाब का जीके, पंजाब का करंट अफेयर, पंजाब गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की गई है, ये वीडियोस देखना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना होगा। वहाँ हमने सारे के सारे वीडियोस आपको दे रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हो। जी हाँ, इसके बाद बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां हम लोग डेली जीके या पीडीएफ वगैरह अपलोड करते रहते हैं, जी हाँ, तो आप वहां क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, जुड़ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आज जो मेंसुरेशन पार्ट थर्ड है पीपीएससी पीएससीबी और पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही खूबसूरत है। क्लास की शुरुआत से पहले, जैसे आपको पता है कि मैं मोटिवेशनल थॉट आपके लिए लेके आता हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कौन नहीं जानता, भारत के, यानी हम यूं इसको कहें कि भारत के बहुत ही महान और एक मशीनीकरण युग के राष्ट्रपति थे। जी हाँ, इन्होंने बहुत ही सुनहरे शब्दों में कुछ लिखा है कि डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड देन मोर लिप्स आर वेटिंग फॉर से यू दैट कि योर फर्स्ट विक्ट्री वो जस्ट ए जॉक या लक भी कह सकते हैं। जी हाँ, यानी इन्होंने बहुत खूबसूरत शब्दों में कहा है कि अगर आपका टारगेट पीसीएस बनना था, अगर आपका टारगेट कहीं बैंक में जाना था, आपका टारगेट कहीं एसएससी में जाना था, बाय द वे अगर आप क्लर्क बन गए हो तो अपने आप को उस क्लर्क की पोजीशन पे मत रोको, आगे बढ़ो। अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में कहीं फेल होते हो तो लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं, हजारों होठ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पहली जो कामयाबी थी कहीं वो आपकी किस्मत से लगाए, आप बाई लक से बने हो। जी हाँ, तो इस बात पर जरूर ध्यान रखें। तो मैं आपको यही उम्मीद करता हूं कि गिल्ज मेंटोर आप सबकी कामयाबी में भागीदार होगा, आपको जहां भी एजुकेशन में जरूरत होगी और आपके साथ गिल्ज मेंटोर हमेशा खड़ा रहेगा। जी हाँ, चलिए हम बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज शुरू करते हैं। जैसा मैंने अब ट्रायंगल्स के बारे में आप सबको बताया, आज हम कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम कवर करेंगे रेक्टेंगल। जी हाँ, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आपको ये मालूम होगा, हिंदी या पंजाबी में कहते हैं आयत। इसकी डेफिनेशन, जी हाँ, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी इसकी मैं कह दूं कि इट्स अपोजिट, ठीक है गाइस, आप लिख सकते हैं इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। जी हाँ, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होती है, ये आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपोजिट साइड की बात बताऊं, जैसे मैंने एक साइड ले ली है, ये है ए और बी। जी हाँ, ये पहली साइड हो गई। अगर मैं दूसरी साइड बना रहा हूं इस तरह से, मैंने इस साइड के मेजरमेंट की बात करें तो मैंने ये कहा कि ये 5 सेंटीमीटर है, और इससे मैंने अगर दूसरी साइड लिए 3 सेंटीमीटर है, ये है बी और सी। जी हाँ, अब आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं, हम हिंदी में पढ़ सकते हैं, पंजाबी में हम जान सकते हैं कि ऐसी आकृति, इदां दी एक फिगर जिहदियां आमने सामने दी भुजावां लंबाई विच बराबर हुंदियां हन, उहनूं आपां एक आयत कहने हैं। जी हाँ, रैक्टेंगल कहते हैं। जी हाँ, अब देखो कि ए और बी अगर 5 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली सी और डी भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि बी और सी 3 सेंटीमीटर है तो डी और ए भी 3 सेंटीमीटर फिगर होगी। जी हाँ, अब इनकी लेंथ होगी। सबसे पहले तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर इसकी डेफिनेशन से यहां मालूम चल गया होगा। अब मैं इसका बेसिक फंडा आपको और आगे क्लियर करवाता हूं, हालांकि ये सारे का सारा काम मैं आपको ज्योमेट्री में कवर करवाऊंगा। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा सोचे कि हाँ जी ज्योमेट्री नहीं करवाई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, मैं आपको बेसिक से करवाऊंगा और हायर पार्ट में ले जाऊंगा। जी हाँ, ये एक मैंने रेक्टेंगल का फिगर बनाया,
सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि हम लेंथ किसे कहेंगे। देखो ये तो होगी आपकी लेंथ और ये होगी आपकी ब्रेथ, ठीक है, यानी इसको हम कहेंगे लंबाई और इसको हम कहेंगे चौड़ाई। जी हाँ, अगर मैंने कहा कि 8 सेंटीमीटर है, मैं मेरी तरफ से ले रहा हूँ, और ये मैंने कहा कि 4 सेंटीमीटर है, सबसे पहले क्वेश्चन खड़ा होता है कि आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखो एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 × 4 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 32 सेंटीमीटर स्केयर अपने पास क्या आ गया, एरिया निकल के आ गया। यहां तक आप कर सकते हो, जी हाँ बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, अगले पॉइंट पर हम जानेंगे कि इसका पैरामीटर। जी हाँ, अगर आप पैरामीटर की बात करते हैं, पेपर के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि इसका परिमाप बताओ। परिमाप का मतलब क्या होता है, यानी इसकी चारों भुजाओं का जो जो क्षेत्रफल है, यानी जितना इन्होंने एरिया कवर किया है, इसका टोटल जोड़ कितना है। जैसे देखो अगर मैंने कहा ये 8 है तो डेफिनेटली ये भी 8 होगा, ठीक है। अगर इधर 4 है तो डेफिनेटली इधर भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब जोड़ लो, 8 और 4 12 और 8 कितना 20 और 4 24। जी हाँ, अगर आप देखो 24 आपने निकाल लिया, रूल से करेंगे तो 2 × क्या करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ। जी हाँ, अब आप लिख सकते हैं कि 2 × लेंथ आपके पास 8 थी और ब्रेथ 4 थी, 2 × 12 = तो भी 24 सेंटीमीटर आपके पास गाइस क्या आ गया, पैरामीटर आ गया, यानी सम ऑफ ऑल द साइड्स। जी हाँ, बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूं आप सबको, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर दिया करें लाइव सेशन के अंदर। जी हाँ, आपको सबको टाइम मैंने दे दिया है, संडे वार्ता का सेशन जो मंडे वार्ता में कन्वर्ट करेंगे। कल मौसम थोड़ा ठीक नहीं था और मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं आपके लिए संडे वार्ता का सेशन नहीं लेके आ सका, जिसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। जी हाँ, मैं मानता हूं कि आपके सभी आने वाले पेपर्स की हम लोग हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास करके आप सबको बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज भी देने वाले हैं और आप सबके लिए कंटिन्यू सेशन जारी रहेंगे। जी हाँ, अब थोड़ा सा इसमें एक और पॉइंट आपको जानना होगा कि अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ्स के बारे में नहीं सुना है, मैथ्स से डरते हैं, टच नहीं होता है, पेपर में कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं मैं उन पे डिस्कशन करने वाला हूं आगे। ए बी सी डी मैंने 4 साइड्स ले ली है। अब आपको सबसे पहले जानना होगा देर आर 4 साइड, कितनी साइड होती है मेरे प्यारे बंधु, 4 साइड्स होती है। देखो भाई 4 साइड्स कौन कौन सी होती है, सबसे पहले हो गया ए बी, और ए बी के इक्वल कौन सी साइड होती है, अगर मैं इसको यूं कहूं कि ए बी के इक्वल कौन सी साइड होगी, डी और सी। जी हाँ, और अगर मैं कहूं कि बी और सी के इक्वल कौन सी होगी, डी और ए, ठीक है। तो देर आर 4 साइड्स। अब एंगल की बात करते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल 360 डिग्री। एक ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड है तो उसका टोटल सम होगा वो 360 होगा, अगर ट्राइंगल है तो 180 होगा। अगर उसी प्रकार से जैसे फिगर बढ़ेगी उसका वैसे क्षेत्रफल की बात करें या हम सम ऑफ द एंगल्स की बात करें, वो चेंज होता चलेगा। अब आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि ईच ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री, ईच ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एंगल इज इक्वल 360 डिग्री। देखो भाई ये सभी एंगल कितने कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। जी हाँ, यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रकार से एक, मैंने वैसे मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना रहा हूं लाइन को, क्योंकि आपको समझाने के लिए, कभी भी मैथ में इस प्रकार से कोई कांटेदार संगली वाली लाइन नहीं होती है, इसको कभी भी आप अच्छे से समझ लीजिए। मैंने इस प्रकार से बी और डी को मिला दिया, ए और सी को मिला दिया। हम अगर ए और सी की बात करें मेरे प्यारे बंधुओं, ए सी और इधर बी और डी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको मेरे प्यारे बंधु हिंदी में कहेंगे हम लोग इसको विकर्ण। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बंधु, इसको कहेंगे विकर्ण। और अगर दूसरे तरीके से मैं समझूं मेरे प्यारे बंधुओं कि इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डायगोनल। जी हाँ, मैं आपको बोलूंगा हिंदी में लेकिन पूरा कंसेप्ट आपको टू द इंग्लिश भी करवाता चलूंगा। अब यानी पेपर में आपको कंडीशन क्या पूछी जा सकती है, आपको पेपर में ये पूछा जा सकता है कि लेंथ ऑफ ए डायगोनल आपको निकालना पड़ेगा। डायगोनल की जब भी लेंथ निकालनी है, देखो या तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका आपके पास ये है कि अगर मैं यूं समझूं कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, सॉरी माफ करना, रेक्टेंगल है मेरे पास ए बी सी डी, और अगर मैंने कहा कि 8 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर है, तो आप इस प्रकार से एक डायगोनल लेंगे। अगर यहां राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल जहां पर बनेगा, जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसके सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनिस कहते हैं। जी हाँ, आपको ध्यान रखना। अब हाइपोटेनिस जब भी, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देखो किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड होती है, ध्यान आपको मैंने पहले बता दिया था, रखना है आपको, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि एक्स वाई और जेड,
अब देखो ए और सी कौन सा है, हाइपोटेनिस है। जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जब भी किसी समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं दे दी जाएं और तीसरी भुजा तीसरी साइड की लेंथ निकालनी है, तो वहां पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी निकाल सकते हो जी गाइस। अब अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो आप क्या काम करोगे, डायरेक्ट निकालने के लिए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे लेंथ का स्केयर प्लस ब्रेथ का स्केयर। जी हाँ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको शायद तक ये पाइथागोरस हर जगह अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, इससे डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस। तो हम लोग लिखेंगे रूट के अंदर 8 का स्केयर 64 हो गया, 4 का 16 हो गया। जी हाँ, हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 80 हो गया। 80 का हम निकालेंगे तो हम रूट वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, लेट सी। देखो भाई, या तो इसको देखो, रूट होता है ना जो, या तो उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लो। अब फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 चौका 80। ठीक है, अब यानी इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो भी, 5 चौका 20 और 4 आ गया। अब आपको मालूम है कि दो जोटे यानी जोड़े में से एक बाहर निकाल लेंगे, बंदर बच गया। तो आप यूं कह सकते हैं कि 4 रूट 5 यानी 4 रूट 5 ये किसकी लेंथ आ गई, डायगोनल की लेंथ आ गई इस रेक्टेंगल के अंदर। यही सबसे बड़ा गेम आपको एक दूसरे से समझ के रखना है। जी हाँ, अब मैं दूसरी बात ये बताऊं कि जब भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए ये बात, वैसे आपको ऑरल तौर पर पूछी जाएगी, किसी भी रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, जी हाँ, रेक्टेंगल आर सेम। ठीक है, सेम का मतलब है, अगर अब मैं कह दूं कि अगर ये 4 सेंटीमीटर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 4 सेंटीमीटर कह दो, तो उसके सामने वाला डायगोनल होगा वो भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है गाइस, अब यानी इसके बाद में हम बढ़ लेते हैं आगे, हम कवर करेंगे स्क्वायर। जी हाँ, स्क्वायर किसे कहते हैं, हिंदी में इसे वर्ग कहते हैं। एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं लंबाई में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं लंबाई में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, हम उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे ए बी और सी और डी, इसमें भी कितनी साइड्स होती हैं, 4 होती हैं ए बी, लेकिन बहरहाल इसमें क्या होते हैं कि सभी साइड्स क्या होती हैं आपकी, बराबर होती हैं डी और ए। जी हाँ, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पेपर के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट आपको करवाऊंगा। अब यानी इसका एंगल भी हर एक 90 डिग्री का होगा, तो चारों एंगलों का सम कितने डिग्री का होगा, सम ऑफ द ऑल द एंगल्स इज इक्वल 360 डिग्री। जी हाँ, अब इसमें भी बात करते हैं तो इसमें भी कितने डायगोनल हो सकते हैं, डायगोनल 2 हो सकते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं। जी हाँ, अब कुछ बातें और निकल के आएंगी, जैसे जैसे कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे मैं आपके सामने वैसे पॉइंट बताता चलूंगा, और बहुत ही खूबसूरत ट्रिक्स भी देने वाला हूं मैं आप सबको। ठीक है, अब यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें तो बी और सी और कोमा कौन सा हो गया, डी और ए, ये क्या हो गए, ये डायगोनल हो गए। डायगोनल का मतलब आपको हिंदी में मैंने बताया, इसे हम विकर्ण कहते हैं, और विकर्ण का मतलब होता है कि किसी दो जो आप, मैं कह सकता हूं कि आमने सामने के एंगल हैं उन्हें हम मिला देंगे तो क्या बन जाएंगे मेरे प्यारे बंधुओं, हम इसे ऑल्टरनेट नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, आमने सामने के एंगल को जोड़ेंगे, तो ये डायगोनल यानी विकर्ण हो गया आपका। अब आपको कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने हैं पेपर के संदर्भ में। आपको मान लीजिए कि कहा जाता है कि एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 होगा, इस तरफ भी 4 होगा और इस तरफ भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालना तो अब क्या कहेंगे, यानी साइड इंटू क्या लिखेंगे, साइड। ये तो हो गया स्क्वायर का एरिया, बहुत ही छोटी सी बात है, यानी ये तो छोटी छोटी क्लासों से हम सीखते हुए आ रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो मैं पेपर के रिगार्डिंग आपको बहुत ही खूबसूरत दवाई दूंगा देसी वाली। ठीक है, अब यानी पहला पॉइंट तो ये निकल के आ गया। अगर मान लीजिए यहां पर आपको क्वेश्चन दूसरे तरीके से दे दिया जाए, दूसरे तरीके का मतलब यह है कि एक मेरे पास, हालांकि इसको यूं मत समझना, चलिए मैं काम करता हूं कि मैंने लिया ए बी और सी और डी ले लिया, और मैंने इस प्रकार से एक क्या बना लिया, एक विकर्ण बना लिया। विकर्ण को मैं कहूंगा डायगोनल। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा डायगो। मैंने गाइस इसको इसको नाम दे दिया कि मेरे पास ये 10 सेंटीमीटर है। जी हाँ, तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए स्क्वायर का एरिया कितना है। देखो, एरिया निकालने के लिए दो तरीके अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तरीका क्या अपनाना पड़ेगा कि आपको वही तरीका अपनाइए कि मैंने आपको एक यहां पर पॉइंट ऑफ इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर की बात करूं कि सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। जी हाँ, आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको हिंदी में भी लिख के दे दूंगा कि अगर आपको समझ में ना आए। अगर आपको पूछा जाता है कि विकर्ण की लंबाई बताइए, जब भी किसी स्क्वायर की विकर्ण की लंबाई निकालनी होगी तो आपको रूट 2 और इनटू क्या करना पड़ेगा, जी हाँ, आपको साइड लिखना पड़ेगा।
अगर ये अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, और यही आपको अपने ट्रिक में याद रखना है। सबसे पहला तरीका ये हो गया आपके पास कि आप इसके जरिए निकाल सकते हैं। अब आपको काम क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है कि साइड निकालनी है। तो यहाँ पर लेंथ आपको किसकी डायगोनल की दे रखी है 10, और आपको साइड निकालनी, तो रूट टू इंटू क्या करेंगे साइड। साइड को अगर मैं एक्स मान लेता हूँ तो ये रूट टू कहाँ चले जाएंगे, इन 10 के बिलो चले जाएंगे। भैया रूट तोड़ना है, देखो या तो आप इसी को मान लीजिए साइड हो गई, तो एक्स का मतलब होगा कि आपने एक साइड मानी थी, फिर इससे आप पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। अब स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो ये पहली साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई। अब आप कह सकते हैं कि 10 को 10 से किया 100, और 2 को 2 से किया तो कितना आ गया 2, यानी आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं 50। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चंस होंगे, ऐसे में क्वेश्चंस आप सबको करवाता रहूंगा, बहुत ही बेसिक तरीके से आपने कर लिया। अब अगर गाइज अगर आपको इतना कुछ नहीं करना है, अगर आपको विकर्ण की लेंथ दे दी जाती है और आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, ट्रिक नोट कर सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर डायगोनल। जी हाँ, डायगोनल का स्केयर और अपॉन में 2 करना पड़ेगा। मैंने कितना लिखा था, यानी 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, कट कर दीजिए 5, 10, 50, बताइए कौन सा तरीका आसान है। तो इसको नोट कर लीजिए नोटबुक के अंदर, जब भी आपको किसी भी स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ दे दी जाए और आपको उस स्क्वायर का डायरेक्ट एरिया निकालना है, तो आप क्या कर देंगे, डायगोनल यानी विकर्ण का स्केयर अपॉन में 2। अब यानी जो 2 होगा इसका स्केयर नहीं करना, ओनली डायगोनल का स्केयर करना है। अब इसी के अंदर कुछ बिंदु और निकल के आ जाएंगे, कुछ बिंदु ये निकल के आ जाएंगे कि बताइए इस स्क्वायर का पैरामीटर कितना है। पैरामीटर निकालना होगा तो 4 इंटू साइड कर देंगे, ये आपको ध्यान होगा, ये सभी साइड्स को जोड़ देंगे। ठीक है गाइस, तो इनसे सारी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि एक इस प्रकार से स्क्वायर बना है, ए और बी और सी और डी, ठीक है, और ये इसका डायगोनल है, डायगोनल है। अब मैं अगर कह दूं कि भाई इस पूरे के पूरे स्क्वायर की जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर है, भाई ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। अब अगर मैं डायगोनल की लेंथ निकालूंगा तो मुझे डेफिनेटली पता है कि मैंने क्या लगाना था, साइड रूट 2 करना था, मुझे मालूम है। जी हाँ गाइज, आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि रूट 2 क्या होगा कि आप जैसे भी अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके देख लीजिए, रूट 2 आएगा। आपको वैसे भी याद रखना है कि लेंथ ऑफ ए डायगोनल। जी हाँ, अगर आप कह सकते हैं कि ये आपके पास 8√2 हो गया। अब अगर पेपर वाला कहता है कि इसके डायगोनल पर एक और स्क्वायर बना दिया जाता है इस प्रकार से, तो इसका नाम रख लिया जाता है ई और एफ, यानी मतलब ये हो गया कि आपके पास ए बी सी डी एक स्क्वायर था, और इसका आप अगर एरिया निकालेंगे तो आपको साइड इंटू साइड करना पड़ेगा। तो साइड इंटू साइड यानी 8 × 8 इज इक्वल कितना हो गया, 64 हो गया। गाइस अगर आपने नया बनाया है, क्या बनाया है कि ए सी ई और एफ एक नया स्क्वायर बनाया है, तो इसका एरिया निकालेंगे तो ये भी तो आप क्या कर देंगे, यानी लेंथ इंटू लेंथ मतलब स्क्वायर साइड इंटू साइड कर देंगे। तो सबसे पहले तो आपको काम क्या करना है, बेसिक तरीका समझ लीजिए मेरे प्यारे बंधुओं। बेसिक तरीका क्वेश्चन का ये कहता है कि आपने डायगोनल की लेंथ निकाल ली। अब अगर डायगोनल की निकाली वो भी इधर होगी 8√2 होगी, वो भी इस तरफ 8√2 होगी, और वो भी इस तरफ 8√2 होगी। इससे आपको करना क्या पड़ेगा, इससे आपको ये करना पड़ेगा कि 8√2 और 8√2, यानी 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना है 64। जब भी रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 = 4 नहीं होगा, दोनों में से कोई एक कॉमन वैल्यू आ जाएगी, इंटू 2 कर देंगे रूट हट जाएगा, तो ये आपका आंसर 128 आ गया। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, समझ में आया कि नहीं आया। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, मैं आपको जब इनके सीरीज करवाऊंगा तब आपको मैं क्वेश्चन रिपीट करवाऊंगा। पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपके पास कोई ए बी सी डी एक स्क्वायर है। जी हाँ, इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी स्क्वायर है। जी, और इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब वो पेपर वाला कहेगा कि इसके डायगोनल पर एक नया स्क्वायर बना दिया जाता है, एक इसके डायगोनल पर क्या कर दिया जाता है, नया स्क्वायर बना दिया जाता है, जिसका नाम क्या रखा जाता है कि ए सी ई एफ रखा जाता है। बताएं कि ए सी ई एफ का एरिया कितना होगा, या इसके डायगोनल पर बनने वाले न्यू स्क्वायर का एरिया कितना होगा। तो मेरे प्यारे बंधुओं नोट कर लो, आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि जो पुराना होता है, यानी जो ओल्ड एरिया, ओल्ड स्क्वायर एरिया होगा, ओल्ड स्क्वायर एरिया होगा, उसका आपने क्या करना है कि जब भी आपको न्यू यानी न्यू स्क्वायर एरिया निकालना है तो वो क्या कर देंगे, 2 × आपने क्या कर देना है कि ओल्ड स्क्वायर एरिया, या प्रीवियस स्क्वायर एरिया भी आप कह सकते हैं। कैसे, अब इसकी 4 सेंटीमीटर साइड थी तो
तो इसकी भी ये भी चार होगी, चार होगी, चार होगी, तो यानी आपको मालूम चल गया चार इंटू चार 16 होगा। 16 किसका होगा? ए बी सी डी का होगा, लेकिन आपने नया क्या बनाया था कि ए सी ई एफ बनाया था, तो इस 16 का दुगना कर दो, 32, 32 नए का होगा। विदाउट पेन विदाउट पेपर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चन करवाए हैं। जी हाँ, आई होप आप दोनों को समझ में, आप सबको समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चन के बारे में। मैं इनके क्वेश्चन आपको डीप में आके लेके चलूंगा, मैं हमेशा आपको यही काम करवाऊंगा। पहले आपको मैं 10% क्वेश्चन के लेंथ समझाऊंगा, इसी प्रकार से 20%, फिर 30%, और सबके सब मैं क्वेश्चन सबको ट्रिकी बेस पे करवाऊंगा। आप सबने मॉर्निंग का सेशन मेरे साथ बिताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच गाइस। मैं इसी प्रकार से आप सबके कमेंट्स देखता रहता हूँ। कुछ भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है प्लीज आप जरूर पूछिएगा। आप सबके लिए सरकारी नौकरी की हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। इस बीच में कुछ भी अगर सरकारी नौकरी के संबंधित आपको न्यूज बताने में कुछ भी मिस्टेक होती है तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन मैं आपको बार बार कहूंगा कि कोई भी फॉर्म भरने से पहले आप पीडीएफ नोटिफिकेशन जरूर पढ़ेंगे। वी होप आप सब लोग इन बातों को समझेंगे, और मैक्सिमम टाइम शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको अपनों की कसम है, आप बहुत सारा प्यार कर रहे हो गिल्ड मेंटोर को, बस हमें इतने प्यार की जरूरत है आप सबसे। जी हाँ, यही हमारा विजन है और हमारा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमें बहुत खुशी होती है। जी हाँ, थैंक यू सो मच गाइस, एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।